नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज दिवाली है और जी बिजनेस की तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे साल पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ आज दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के सरहदी गांव माना में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे और एनएसए अजीत डोवल भी प्रधानमंत्री के साथ भारत चीन बॉर्डर पर जवानों के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे में बद्रीनाथ में पूजा भी करेंगे और उत्तराखंड में चीन से लगे बॉर्डर पर माना भारत का आखिरी गांव है और पीएम बनने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले साल उन्होंने अमृतसर के खासा में डोगराई वॉर मेमोरियल का दौरा किया था, जबकि 2014 में सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। यहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आर्मी पोस्ट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात के जरिए देश को संबोधित भी करेंगे और मन की बात कार्यक्रम का ये 25वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी दिवाली के मौके पर देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों के हौसले पर अपने विचार रख सकते हैं। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से सरहद पर तैनात जवानों को बधाई संदेश भेजने की अपील भी की थी और उन्होंने कहा कि आपके संदेश जवानों की खुशियां बढ़ा सकते हैं। इससे पहले 25 सितंबर को पीएम मोदी ने मन की बात में भारतीय सेना की तारीफ की थी और उन्होंने सेना पर भरोसा जताते हुए कहा था कि हमें सेना पर नाज है। पीएम ने कहा था कि हम नागरिकों के लिए, राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। और आज शहीद मनदीप को अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना ने माचिल सेक्टर में शहीद मनदीप के साथ बर्बरता का बदला ले लिया है और शनिवार को आर्मी ने केरन सेक्टर में जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान रेंजर की 4 चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे गए हैं और आर्मी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अगर हंसी मजाक में भाषा के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाए तो दिवाली और दिवाला में सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर होता है, लेकिन जब इन दोनों शब्दों का भावार्थ समझा जाता है तो एक विपरीत हो जाता है, जिसका बेहतरीन और ताजा उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव। नहीं समझे तो देखिए इस स्टोरी को। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान उर्फ आतंकिस्तान, एक मना रहा है दिवाली तो दूसरे का मन गया है दिवाला। एक देश जो डूबा है जश्न में और दूसरा देश जिसकी इज्जत का पूरी दुनिया में निकल गया है जनाजा। जी हां, अपने नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने उरी की घटना को अंजाम क्या दिया। पाकिस्तान की भारत ने वो हालत कर दी कि ना उसको उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। 20 जवानों की शहादत का भारतीय सेना ने ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान का दिवाला निकल गया और भारत में दिवाली मन गई। भारत की तरफ से भारतीय सेना ने आतंकवादियों के 7 लॉन्च पैड को अपना निशाना बनाया। इसमें 38 आतंकवादी मारे गए। हमारे देश के शूरवीरों ने सर्जिकल स्ट्राइक वाला ऐसा बम फोड़ा कि परमाणु बम की धमकी देने वालों के परखच्चे उड़ गए। पूरे देश ने जमकर जश्न मनाया, बम की लड़ियां जलाई जिसकी गूंज हाफिज सईद से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने तक गई। इस खौफ से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था कि मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर ऐसा धमाका किया कि एक बार फिर पाकिस्तान का दिवाला निकल गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मट्टी पलीत हो गई। बड़े ही बेआबरू होकर पाकिस्तान को सार्क सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। कई बार पाकिस्तान ने दिवाली पर भारत को दहलाने की कोशिश की। खैर जो भी हो, इस बार जो पाकिस्तान का दिवाला निकला है
वो भारत की ये दिवाली कभी नहीं भूलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।